स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से पक्का लाइसेंस आप बनवा सकते हैं, उसी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको। सबसे पहले किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। परिवहन की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा किस स्टेट से आप लाइसेंस के लिए प्रोसीड करना चाहते हो। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा, क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए। अब अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करके न्यू ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आ जाएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा और ओके भी क्लिक कर दीजिए। आपके मोबाइल पे ओटीपी चला गया, ओटीपी यहाँ पे डाल के कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट ओटीपी पे क्लिक कीजिए। अब इस तरीके से लाइसेंस डिटेल ओपन होके आ जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा या फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो इधर ये आ जाएगा। अब सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ओके पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाता है, कंग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इसको आप कहीं पे नोट कर सकते हो या इस पेज का स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हो। ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसकी आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप स्टेटस देखोगे या इनकम्प्लीट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। राइट साइड में आप आओगे एड्रेस दिख जाएगा, किस आरटीओ में एप्लीकेशन प्रोसीड हो रही है वो दिख जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म अपने निकाल सकते हो। अक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट सेव या डाउनलोड करना चाहते हो तो प्रिंट अक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, राइट साइड में आओगे, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो। आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। अब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने, उसके बाद पेमेंट करनी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट करना है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक करें, सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा, तो इनमें से जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो पहले उस पर क्लिक कर लीजिए। तो जैसे मैं करंट एड्रेस प्रूफ पहले अपलोड करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनमें से कोई सा भी आप डॉक्यूमेंट एज अ करंट एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैं आधार करना चाहता हूँ तो आधार कार्ड भी डीओ भी क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इशू भाई, तो आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू है, तो जीओआई हमने यहाँ पे डाल दिया है। इशू डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा, अगर आपको इशू डेट नहीं पता तो अंदाजे से अप्रोक्स यहाँ पे डाल सकते हो डेट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपको ध्यान रखना है जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो जेपीजी या जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए और उस वो आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, उस पर आपके साइन होने चाहिए और अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कन्फर्म, क्रॉस। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बाई मिस्टेक आपसे गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड हो गया तो यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से आप अपलोड कर सकते हो, अगर सही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया तो कन्फर्म पे क्लिक करें। इसी तरीके से लर्निंग लाइसेंस अपलोड कर लीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा, ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करें। इस तरीके से आ जाएगा, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए, अब पेमेंट करनी है तो प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पेमेंट आपको दी जाएगा, कितना आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अदर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, गेटवे ट्रेजरी जो भी आपको बैंक हो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा। पेमेंट करने के लिए पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब ये जो बॉक्स है यहाँ पे क्लिक कीजिए और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। SBI नेट बैंकिंग इस पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग इस पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। अब कन्फर्म पे क्लिक करें, कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पे डालिएगा, कार्ड नंबर यहाँ पे डाले, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाले, CVV कोड की 3 डिजिट कार्ड के बीच आपको दी जाएगी वो यहाँ पे डाले और पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करें। कार्ड से जो मोबाइल लिंक OTP पे चला गया है वो यहाँ पे डाल के कन्फर्म पे क्लिक करें।
अब इस तरीके से आ जाएगा इस पेज पे, आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से आ जाएगा पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें। इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, इसको आप सेव कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट इसका निकाल सकते हो। टोटल अमाउंट आपको दिख जाएगा कितने का आपने पेमेंट किया, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पेमेंट अगर आपकी पेंडिंग में चली गई है तो यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई आप कर सकते हो। पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो चुकी है तो यहाँ पे फीस पेमेंट पे क्लिक करके फीस पेमेंट्स पे क्लिक करें, यहाँ पे ई पेमेंट पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाले, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाले, एक कैप्चा यहाँ पे डाल गेट डिटेल्स पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। अपॉइंटमेंट की बात करें तो अपॉइंटमेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करके डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाले, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाले, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाले और सबमिट पे क्लिक करोगे, कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा, डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, राइट साइड में टाइम आ जाएगा, टाइम सेलेक्ट करके प्रोसीड करोगे, मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डाल के प्रोसीड करोगे, कंफर्म करोगे तो अपॉइंटमेंट यहाँ से बुक कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा यहाँ पे डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन लॉगिन होके आ जाएगी इस पेज पे, नीचे की तरफ आ जाइए, प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करें, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिख जाएगी, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डालिएगा, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करें, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिए, ग्रीन जो डेट दिख रही है उनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। जैसे मैं 29 का करना चाहता हूँ तो 29 पे क्लिक कर देता हूँ, राइट साइड में टाइम ओपन होके आ जाएगा, कितने बजे के बीच अपॉइंटमेंट चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए आप। अब जैसे 10 to 12 वाला हमको चाहिए तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, अब बुक स्लॉट पे क्लिक कर देते हैं। एप्लीकेशन से जो मोबाइल लिंक और सिक्योरिटी कोड उस पर चला गया है 6 डिजिट का, वो यहाँ पर डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, कन्फर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट ओपन होके आ जाएगी, इसको आप सेव कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो या प्रिंट निकाल सकते हो प्रिंट पे क्लिक करके। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है जैसे लर्निंग लाइसेंस, करंट एड्रेस प्रूफ या अदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो लेके जाने हैं, पेमेंट रिसिप्ट, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, ये आपको लेके जाने होंगे। और इसके साथ साथ व्हीकल भी आपको लेके जाना होगा क्योंकि आरटीओ में आपको व्हीकल चला के दिखाना होगा, ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ में आपका होगा। इसका मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से निकाल सकते हो, पेमेंट रिसिप्ट किस तरीके से निकाल सकते हो। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट की बात करें तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट भी आपने निकाल ही ली होगी, अगर नहीं निकाली है तो अदर्स पे क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म्स पे क्लिक करके भी निकाल सकते हो, या एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, एक कैप्चा यहां पे डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन लॉगिन होकर आ जाएगी, राइट साइड में आप देखोगे अपॉइंटमेंट का दिख जाएगा, प्रिंट अपॉइंटमेंट का, उस पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। बाकी आरटीओ ऑफिस में जैसे डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करा दोगे उसके बाद यहाँ से स्टेटस भी आप देख सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, ये डिटेल डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा स्क्रूटनी, आपको दिख जाएगा जैसे स्क्रूटनी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव में चली जाती है। जैसे लाइसेंस एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लग जाता है, उसके थ्रू आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो लाइसेंस जो है वो प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ ही दिन में बाई स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस पे लाइसेंस आ जाएगा। तो ये पूरी जानकारी है, उम्मीद है जी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी लाइसेंस रिलेटेड और भी जानकारी आप देखना चाहते हो सिंपली यहाँ पे लाइसेंस डाल दीजिएगा, चाहे लर्निंग लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफी लाइसेंस रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हो। प्ले लिस्ट की बात करें तो लाइसेंस और व्हीकल रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।